मेरा नाम डॉक्टर खाजा है, मैं ओरल एंड मैक्सिलर पेशेंट सर्जन हूँ, पार्टा डेंटल हॉस्पिटल बैंगलोर में काम कर रहा हूँ तकरीबन 2 साल से। कल मैंने आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, आज मैं आपको एक कॉमन डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो है विजडम टूथ प्रॉब्लम, जिसको अखर का दाड़ बोलते हैं, जो है विजडम टूथ प्रॉब्लम। ये विजडम टूथ प्रॉब्लम जो है ये तकरीबन 18 साल से लेके 26 साल तक आता है। हर पेशेंट में 2 ऊपर और 2 नीचे विजडम टूथ होते हैं, जिसका 2 ऊपर और 2 नीचे विजडम टूथ होते हैं। जनरली नीचे के विजडम टूथ प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जिसका पेन बहुत सीवियर होता है, जिसको ट्रीटमेंट करवाना पेन सीवियर होता है। तो ये विजडम टूथ क्यों प्रॉब्लमेटिक होता है उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 रीजन ये है कि विजडम टूथ ज्यादातर पेशेंट आजकल के पॉपुलेशन में ज्यादातर देखिए विजडम टूथ ऐसा क्रॉस आता है। ये क्रॉस किस वजह से आता है, इसका रीजन है थोड़े। नंबर 1 रीजन ये है कि आजकल के पॉपुलेशन में ये विजडम टूथ बाहर नहीं आता, वो ऑक्लूजल टेबल पे नहीं आता, इससे पेशेंट चबा नहीं सकता, इसीलिए वो हड्डी में रह जाता है। तो ऐसे विजडम टूथ को निकालने का बहुत बहुत जरूरी प्रोसेस है। अगर ये नहीं निकाले, ये विजडम टूथ अगर नहीं निकाले तो आगे वाला दांत जो है, जो अखर का दांत के जो सामने वाला दांत है, वो पूरा खराब हो जाता है। आप यहाँ एक्सरे में देख रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि विजडम टूथ कम्प्लीटली स्लीपिंग पोजिशन में है और ये सामने के दांत को कम्प्लीटली डैमेज कर चुका है और ये दांत का इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग विजडम टूथ निकालना जरूरी है। विजडम टूथ के लिए पब्लिक बहुत डर जाती है कि वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, निकालने के बाद 3-4 दिन तक तकरीबन पेन होता है, स्वेलिंग होता है, ऐसा हमेशा पेशेंट्स ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो करेक्ट सोचता नहीं है। देखिए विजडम टूथ को निकालने के लिए वेरी इजी प्रोसेस। आप यहाँ देखिए कि मैं विजडम टूथ को ऐसे इजीली निकालने का प्रोसेस आपको बताता हूँ। देखिए ये पेशेंट है, ओके, ये पेशेंट पे हम लोग ने एक सर्जरी किया है। देखिए यहाँ पर विजडम टूथ होता है जो क्रॉस आया हुआ था, और हम लोग छोटा सा गम ट्रीटमेंट, मतलब गम को छोटा सा काट के विजडम टूथ को इजीली बाहर निकाल दिए। तो इसमें आपको डरने वाला कोई बात नहीं है, अनलेस आप ऐसे हॉस्पिटल जाएं जहाँ पे ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर एक्सपीरियंस ना हो, जिसको सर्जरी ना आते हो, वैसे अगर हॉस्पिटल पे आप जाएं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मैं तकरीबन पेशेंट से आया हूँ, अगर मैं देखता हूँ तो विजडम टूथ दूसरे क्लिनिक से निकलवा लेते हैं और वो लोग प्रॉपरली निकाल के आधा तोड़ के कम्प्लीटली कॉम्प्लिकेट करके अपने पास आते हैं। तो मैं वो वैसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस लेता हूँ और उसको सीधा करके मैं सर्जरी करके पेशेंट को हौसला देके मैं पेशेंट को डिलीवर करता हूँ। तो विजडम टूथ के लिए आप लोग बिल्कुल डरिए मत, इट्स अ वेरी इजी ट्रीटमेंट, बहुत सिंपल से उसका ट्रीटमेंट होता है। वो क्रॉस में हो जाओ या हड्डी में रहो या फिर उसके ऊपर कम्प्लीटली मसूड़ा आ जाए, उसके लिए दर्द हो, उसके लिए इन्फेक्शन हो, कभी कभी क्या होता है विजडम टूथ के वजह से छोटे छोटे ट्यूमर्स और कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं पॉपुलेशन को बताना चाह रहा हूँ कि विजडम टूथ को हमेशा लाइट ना लें। तो अगर पेनफुल हो, वो आपको तकलीफ दे रहा हो, तो आप इजीली उसको निकलवा लें। आप पार्टा डेंटल हॉस्पिटल आए जो महबूब नगर में है, जो रिपोर्ट में है, आप आए, मैं यहाँ पे हमेशा अवेलेबल हूँ, फुल टाइम अवेलेबल हूँ। आप विदिन 10 या 15 मिनट में विजडम टूथ निकाल देते हैं, आपको जैसा सूचर चाहे वैसा आप डाल सकते हैं। जनरली क्या होता है विजडम टूथ ऐसा दम काटने के बाद, जो मसूड़ा काट के विजडम टूथ निकालने के बाद वहाँ पे स्टिच करना पड़ता है। स्टिचिंग भी आप अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। स्टिचिंग के लिए भी 2 टाइप के स्टिचिंग होते हैं, एक जो है वो बॉडी में नहीं गलने वाला स्टिच होता है, एक जो है बॉडी में गलने वाला स्टिच होता है। आजकल पॉपुलेशन के लिए बॉडी में गलने वाला भी स्टिच हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये मैं ओवरऑल वीडियो का मकसद ये है कि मैं विजडम टूथ को इजीली निकाल कर उसको बिना पेन के, बिना स्वेलिंग के आपको डिलीवर करने का इच्छा लगा। थैंक यू सो मच।